सिंधु सुतामा विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मैया की भक्तजनों आप सभी को धन धान यश सुख वैभव इत्यादि देने वाली मैया हैं मैया महालक्ष्मी। कहते हैं इनका पूजन आराधन करने वाला प्राणी जीवन में कभी दारिद्र्य को प्राप्त नहीं करता। वेद पुराणों में तो माता महालक्ष्मी के प्राकट्य की अनेक अनेक गाथाएं हैं, परंतु आज मैं आपको मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पवित्र संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा श्रवण से पहले जान लीजिए भक्तों, माता के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए सुनते हैं मैया महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन गाथा। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। भक्तजनों मैया लक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें भक्त महालक्ष्मी के नाम से भी पूछते हैं। महालक्ष्मी का यह स्वरूप भृगु ऋषि की कन्या के रूप में है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माँ के इसी स्वरूप से त्रिदेवों का सृजन हुआ था और महाकाली और महासरस्वती ने भी सृष्टि में इसी रूप से आकार प्राप्त किया था। आदि लक्ष्मी मैया जीव जंतुओं में जीवन और प्राणियों में मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो बोलिए आदि लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों माँ लक्ष्मी का दूजा स्वरूप धन लक्ष्मी का है। नाम से ही जग जाहिर है भक्तों, माँ का यह स्वरूप प्राणियों को धन धान सुख यश और वैभव प्रदान करने वाला है। माँ के इसी स्वरूप ने विष्णु जी का कर्ज कुबेर से चुकाया था। भक्तों माँ के एक हाथ में कमल पुष्प और दूजे हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। तो माँ के इस स्वरूप को पूजने वाले जीवन में कभी ऋणी नहीं रहते। तो बोलिए धन लक्ष्मी मैया की। भृगु ऋषि की कन्या बनकर आदि लक्ष्मी माँ आई, तीनों देव को मैया ही तो अपने रूप से उपजाई। धन लक्ष्मी रूप में विष्णु जी का कर्ज चुकाया था, धन से भरे कलश से भक्तों धन धान तो लुटाया था। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, सिंधु सुताय नमो नमः। भक्तों महालक्ष्मी माँ का तीजा स्वरूप धान लक्ष्मी अर्थात अनाज लक्ष्मी है। अन्नपूर्णा स्वरूपा माता धान्य लक्ष्मी अपने भक्तों को अनाज प्रदान करती है। यदि धान्य लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना हो तो भोजन का अनादर कदापि नहीं करना चाहिए। जिन घरों में अनाज का निरादर नहीं होता वहाँ धान्य लक्ष्मी मैया सदा अपना वास करती है। तो बोलिए धान लक्ष्मी मैया की। भक्तों माँ का चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप
कमल पुष्प पर विराजमान है तथा दो हाथी माँ का आवाहन सदैव करते रहते हैं। माँ का यह स्वरूप कृषि और उर्वरता प्रदान करता है। माँ के इसी स्वरूप के कारण इंद्र ने अपने खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त किया था। अतः भक्त लोग इन्हें राज लक्ष्मी के नाम से भी पूछते हैं। इनका पूजन करने से कृषि क्षेत्र में उन्नति और संतान प्राप्त होती है। तो बोलिए राज लक्ष्मी मैया की। धन्य लक्ष्मी मैया भक्तों अन्न के भंडार भरे, अन्नपूर्णा मैया की मिल करके सब जयकार करें। कृषि और उर्वरता देता गज लक्ष्मी का रूप है, राजयोग भक्तों को देता राज लक्ष्मी रूप है। जय महालक्ष्मी बोल दे वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। माता महालक्ष्मी का पंचम स्वरूप है संतान लक्ष्मी का। इनका आराधन करने वाली बांज स्त्रियां भी संतान का सुख प्राप्त करती हैं भक्तों। और जिन स्त्रियों के पहले से ही बालक हैं वो अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए माँ के इस स्वरूप का पूजन करती हैं। माँ के स्वरूप से उनकी संतानों को अभय वरदान प्राप्त होता है। तो बोलिए संतान लक्ष्मी मैया की। भक्तजनों, माँ का छठा स्वरूप वीरा लक्ष्मी का है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त करवाता है। माँ की आठ भुजाएं हैं जिनमें माँ तलवार त्रिशूल धनुष बाण आदि जैसे अमोघ अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ वीरा लक्ष्मी के आराधन से प्राणियों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए वीरा लक्ष्मी मैया की। संतान लक्ष्मी मैया तो बांजन को संतान दे, लंबी उम्र का उन बच्चों को मैया जी वरदान दे। अष्टभुजाधारी मैया का वीर लक्ष्मी रूप है, युद्ध में तो विजय दिलवाए मैया का स्वरूप है। जय महालक्ष्मी बोल रे वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तजनों, माँ का सप्तम स्वरूप विजया लक्ष्मी अथवा जया लक्ष्मी भी कहाया जाता है। इस स्वरूप का आराधन करने से प्राणियों के जीवन के हर मोड़ पर उन्हें विजय प्राप्त होती है। माँ का ध्यान जो भी लगाता है जीवन में सदा सुख पाता है। माँ अष्टभुजाधारी कमल पुष्प पर विराजमान है, तो अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की जय जयकार करते हुए बोलिए, बोलिए अष्टभुजी माँ विजया लक्ष्मी की। माँ का अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी का है भक्तों। नाम से ही जाहिर है माँ का यह स्वरूप प्राणियों में विद्या और ज्ञान का सृजन करता है। माँ के आराधन से सभी भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती है और प्राणी अपने जीवन में शिक्षा के सहारे अनेक अनेक उन्नतियों को प्राप्त करता है। तो बोलिए शिक्षा लक्ष्मी की। विजया लक्ष्मी मैया भक्तों जीत सभी को देती है, हार के संकट को मैया जी एक पल में हर लेती है।
विद्या लक्ष्मी मैया सबको बुद्धि ज्ञान प्रदान करे, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भक्तों को वो दान करे। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। भक्तजनों, माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप आपको धन संपत्ति वैभव यश और कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आइए सच्चे हृदय और सच्चे भाव से क्षीर सागर में विद्यमान माँ विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के इन स्वरूपों का आराधन कीजिए और जीवन में सदैव सुख प्राप्त कीजिए। महालक्ष्मी के इन 8 रूपों का आराधन करने वाला भौतिक जीवन में समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए अष्ट लक्ष्मी मैया की। जिसने लक्ष्मी माँ को ध्याया जीवन में सुख पाया है, धन धान भंडारे भरती महालक्ष्मी महामाया है। कमल का पुष्प चढ़ाओ भक्तों मैया का गुणगान करो, चंदन तिलक लगा मैया को लक्ष्मी का आह्वान करो। जय महालक्ष्मी बोल रे, वाणी में अमृत घोल रे, बंद तेरी किस्मत के ताले मैया देंगी खोल रे। महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः।